अस्सलाम वालेकुम एडवांस क्लास, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। एडवांस क्लास, आज आपका जीके का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में आपने माई सेल्फ के बारे में पढ़ा था, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने बारे में, ठीक है। सेकंड लेक्चर में आपने अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा था कि फैमिली में कौन कौन से अफराद या लोग शामिल होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से लोग थे, आपके दादा दादू, आपके मम्मा पापा और बहन भाई, ये आपकी फैमिली हैं। आज लेक्चर नंबर 3 में बुक पेज नंबर 7, इसमें हम पढ़ेंगे माय बॉडी यानी मेरा जिस्म। अपने जिस्म के बारे में आप पढ़ेंगे, आपकी बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो आप अपने इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर डेट मेंशन कर लें, 2/4/06/2020, 24/6/2020 यानी 24 जून 2020। फिर नेक्स्ट सी ए क्लास असाइनमेंट, फिर डे WEDNESDAY वेडनेसडे, ठीक है। माई बॉडी MY BODY, बॉडी कहते हैं जिस्म को, आपका जिस्म, माई बॉडी मेरा जिस्म। नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसमें दिए हुए हैं हेयर यानी बाल, आई यानी आँखें, आंख, एयर यानी कान, नोज नाक, आईब्रो ये जो आपकी आईब्रो ये बाल होते हैं, लिप्स होंठ, नेक गर्दन, चेस्ट सीना, शोल्डर कंधे, आर्म हाथ बाजू, हैंड हाथ, एल्बो ये आपकी कोहनी, लेग आपकी टांग, एंकल ये जो आपका ये जहाँ पे ये शूज़ के पास ये जो इधर होती है ना हड्डी छोटी सी, उसको एंकल कहते हैं। रिस्ट आपकी ये कोहनी की ये हाथ का जो होती है ये रिस्ट कहलाती है, ठीक है, ये जो है ये रिस्ट है। और फुट यानी आपके पाँव, ठीक है, ये सब आपके बॉडी पार्ट्स में शामिल हैं। तो यहाँ पे अब ये लाइंस दी हुई हैं और जो बॉडी पार्ट्स को टच कर रही हैं और साथ में ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो आपने इन ब्लॉक्स में जो लाइन जिस जिस बॉडी पार्ट को टच कर रही है उसका नेम लिखना है। अब ये देखिए फर्स्ट लाइन ये है, इसकी आई को टच कर रही है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, EYEI। सब बच्चे मेरे साथ साथ इधर राइट कर लें ताकि अच्छा सा नीट एंड क्लीन काम हो जाए। अब ये देखिए सेकंड लाइन जो है ये आपकी नोज़ को टच कर रही है, ठीक है, नोज़। तो इस ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, NOSE नोज़, NOSE नोज़। अब ये जो थर्ड है लाइन ये कहाँ आपकी गर्दन को टच कर रही है, नेक को। गर्दन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेक, NECK नेक, NECK नेक। अभी फोर्थ लाइन जो है ये देखें कहाँ इसकी कोहनी को टच कर रही है यानी एल्बो। कोहनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एल्बो, ELBOW, ELBOW एल्बो। और ये जो फिफ्थ लाइन है ये देखें इसकी कहाँ टच कर रही है, इसके घुटने को। घुटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, KNEE, KNEE, ठीक है। अब नेक्स्ट उधर आ जाएं साइड पे, यहाँ पे देखें ये लाइन कहाँ टच कर रही है इनके, इसके हेयर्स को कहाँ टच कर रही है, बालों को टच कर रही है, तो HAIR हेयर, HAIR हेयर। अब ये लाइन कहाँ टच कर रही है, इसके कान को टच कर रही है, EAR ईयर, EAR ईयर। ये कहाँ इसके टच कर रही है, बाजू को, ARM आर्म, ARM आर्म। अब ये कहाँ इसके हैंड को टच कर रही है, जो आपका हैंड है, ठीक है, ये हैंड जिसमें फिंगर्स होती हैं, HAND हैंड, HAND हैंड। और ये कहाँ टच कर रही है इसकी टांग को, LEG लेग, LEG लेग। एडवांस क्लास, आपकी स्क्रीन पे आपको ये पेज सामने बुक का पेज नंबर 7 नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपने सेम स्पेलिंग्स राइट करनी है इन ब्लॉक्स में और फिर इन बॉडी पार्ट्स को स्पेलिंग्स को याद भी करना है, ठीक है। एडवांस क्लास, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा और डेट और डे लाजमी अपने काम पे मेंशन किया करें। ओके एडवांस क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।